यार एक मेरी फोटो खींचना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मेरे वीडियो के अंदर मेरी फोटो क्यों खिंचवा रहा हूँ, है ना। आज का जो मेरा वीडियो है ना दोस्तों, ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे से सब पूछते हैं कि भाई जो स्पेस के अंदर आप इतनी मेहनत करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट भेजते हो एक्सप्लोरेशन के लिए, चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2, इन सब का फायदा क्या है। दोस्तों बात है 4 अक्टूबर 1957, 1957 की। 4th of October 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 1 यानी सैटेलाइट 1, पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। और उस एक इवेंट ने एक ऐसी रेस चालू करी थी जिसका नाम है स्पेस रेस। उस स्पेस रेस ने इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को क्या दिया, क्या नहीं दिया, इन सब के बारे में बहुत सवाल उठते हैं। दोस्तों 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का जो टाइम है, ये टाइम हर साल स्पेस वीक के जैसे सेलिब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि 4th of October 1957 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द स्पेस रेस। और जो कुछ भी अचीव किया अपनी ह्यूमन रेस ने, वो उस दिन के बाद से ही जो रेस चालू हुई स्पेसिफिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, एंड देन वी अचीव सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बहुत कुछ, खूब पैसा लगा दोनों देशों का। सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इतना पैसा आपने खर्च क्यों किया? तो मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करूंगा। एज अ नॉलेज सीरीज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग फोर्थ अलग अलग वो चीजें जो कि स्पेस रेस ने अपने को दी, और जिससे कि कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को वी कैन पुट अ स्टॉप कि इतना सारा पैसा स्पेस पे आप क्यों खर्च करते हैं, स्पेस रिसर्च पे क्यों खर्च करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों पहले तो छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी ये है कि 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, और जैसे ही वो लॉन्च हुआ अमेरिका को लगा कि यार अगर रशिया के पास पावर आ गई कि ये अपने बड़े बड़े वारफेयर की चीजें अगर ऊपर आसमान में रख देंगी और अपन पीछे रह गए तो अपन तो रशिया से हार जाएंगे। कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ एक कंपटीशन चालू हुआ जिसको अपन स्पेस रेस कहते हैं। उस स्पेस रेस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को, अपनी ह्यूमन रेस को ऐसी गजब की चीजें दी हैं जिसमें से एक वही है जिससे मैं अभी फोटो खींचना चाह रहा था, और एक वही है जिससे कि अभी ये सारा वीडियो आपके पास जो पहुंच रहा है उसको पहुंचने से पहले ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है, शूट हुआ है। दोस्तों इस साल भी 4th से 10th of October जो है वर्ल्ड स्पेस वीक के जैसे सेलिब्रेट हो रहा है, और जो वर्ल्ड स्पेस वीक है इसकी इस बार की जो टैगलाइन है, जो इस बार का मेन मैसेज है, वो है सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। ठीक है। इसके ऊपर, सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो इन अ वाइल मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बट अभी आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं वो कुछ चीजें रोजमर्रा की अपनी जिंदगी की चीजें जो कि अपने को स्पेस रेस से मिली। ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। अब आते हैं वापस उसी पार्ट पे कि मैंने बोला कि यार मेरी फोटो खींचना, क्या मतलब है इसका, मैंने ऐसा क्यों बोला। सो दोस्तों लेट्स गो बैक टू 1960s। स्पेस रेस चालू हो चुका था, रशिया ने स्पुतनिक 1 छोड़ दिया था, नासा वॉज गियरिंग अप टू कैच अप ऑन दी रशिया। रशिया के पास क्या खूबियत थी? रशिया के पास एक खूबियत थी कि पहला इंसान उनने भेजा, पहली औरत उनने भेजी, पहला स्पेस वॉक उनने कराया, ऑलमोस्ट सब कुछ पहली बार उनने किया। तो अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर था कि यार हमें कुछ ऐसा करना है कि रशिया ने ये जितना भी एक साथ इकट्ठा करा है इसको पार कर दें। क्या प्लानिंग हुई? प्लानिंग हुई वी विल गो टू द मून, ये प्लानिंग हुई। अब भाई मून पे जाना है तो एक सीधी सीधी बात मैं आप दोस्तों से पूछूं, अगर आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहां पे आप गए नहीं हो तो आप किसी से तो रास्ता पूछोगे भाई, कैसे जाएंगे, किधर जाएंगे। यही सारी कवायद, यही सारा डिस्कशन चल रहा था युगन एफ लेली के साथ, जो कि उस वक्त वहां पे एक नासा के अंदर एक इंजीनियर थे। और उनने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया, उनने बोला कि क्यों ना एक ऐसा सेटअप बनाया जाए कि जब स्पेसक्राफ्ट जा रहा हो तब वो फोटो खींच ले और उन सारी फोटोज को रख ले अपने पास,
जिससे कि वापस आते वक्त मेरे पास कोई रेफरेंस तो रहे कि भाई किस रास्ते गए थे, स्टार की पोजीशन कौन सी है, इसकी पोजीशन कहाँ है, उस स्टार की पोजीशन कहाँ है, नहीं तो स्पेस के अंदर रेफरेंस कहाँ से आएगा। दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ कैमराज। और यूगन एफ लैली ने जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक रिसर्च का थोड़ा सा काम किया और जिस पे अपने पेपर पब्लिश करे और पेपर सबमिट करे थे नासा के अंदर, वहां पे उनने वर्ड यूज किया था डिजिटल फोटोग्राफी। एंड वहां से अपने को ये जो डिजिटल कैमरा और डिजिटल फोटोग्राफी जो वर्ड है वो वहां से मिला। और उनका क्या मानना था, देखिए एक सिंपल सी बात आता हूं, जब एक स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल करता है तो ये बहुत तेज स्पीड पर ट्रैवल करता है, तो अगर मैं एनालॉग कैमरा से फोटो खींच रहा हूं, मैं उसकी फोटो खींचूं, उस फोटो को मैं डेवलप करूं, इतने में तो मैं पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाऊंगा और क्या पता कितनी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा सेटअप किया जाए, ऐसे सेंसर्स को यूज किया जाए कि जो वो फोटो है, जो इमेज है, उसको वो मेमोरी में सेव कर ले। ठीक है, सारा काम हो गया, लेकिन क्योंकि नासा के पास बहुत सारे और काम थे तो यूगन एफ लैली ने इस आइडिया को आगे रखा और बोला भाई इस पे एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, कुछ बनाओ जो कि यूज हो सके एस्ट्रोनॉट्स के लिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर ट्रैवल, यू नो, इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, स्पेस ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। टाइम बीता, बड़ी बड़ी जो अमेरिका की कंपनीज थी उनने यूगन एफ लैली को अप्रोच किया कि भाई आपने ऐसा कुछ पेपर पब्लिश किया था, यू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी, क्यों ना इस पे कुछ काम करें। भाई उनके पास बहुत और खूब सारे काम थे, तो उन्होंने बोला यार अभी तो मैं स्पेस रिलेटेड मेरे काम में बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोडेक, अपना जो कोडेक है कैमरा वाली जो कंपनी है जो स्क्रीन्स भी बनाती थी एनालॉग कैमरा के लिए, उनसे क्यों नहीं बात करते। एंड बात यह है दोस्तों, पहला डिजिटल कैमरा 1975 में कोडेक कंपनी के ही एक इंजीनियर स्टीवन सेसन ने बनाया था और वो उनका पेटेंट हो गया। अब कोई मेरे से पूछे कि स्पेस एज, स्पेस रेस, इसने क्या दिया, तो अगर ये छोटा सा आइडिया यूगन एफ लैली के दिमाग में नहीं आता, ऐसे थोड़ी ना आता, क्यों आया, क्योंकि उनको बहुत तेज जल्दी से फोटो भी खींचनी है और उसको स्टोर करके भी रखना है आगे के लिए, उनको प्रिंट नहीं निकालना, स्टोर करके रखना है, तो डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। ये आइडिया आया क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को भेजना और वापस लाना है। ठीक है, डिजिटल कैमरा आ गया, everyone is very happy, yes everyone is very happy। so जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज डिजिटल कैमरा की। एंड दूसरा जो है वो है कैमरा फोन, जो अपने मोबाइल फोन के कैमराज हैं, छोटे छोटे मोबाइल फोन पे जो कैमराज है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज इनॉर्मस है। ये भी अपने को स्पेस रेस की जो रिसर्च है उसी ने दी थी। लेट्स गो बैक टू JPL। JPL जो है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरीज है, नासा का रिसर्च लैब है। और अपन अब आगे 1990s में एक इंजीनियर है JPL के, एरिक फोसन नाम है उनका, और उनके पास ये टास्क दिया हुआ है कि भाई पावर हो कम, कैमरा बनाना है, पावर कम हो, स्पीड तेज हो और कैपेबिलिटीज इनॉर्मस हो कि फोटोज अच्छी ली सकें, क्लैरिटी अच्छी हो, आउटपुट अच्छा हो, साइज छोटा होना चाहिए, पावर कम यूज होना चाहिए। अब एरिक फोसम ने काम चालू करा जस्ट बिकॉज इट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस रेस दैट वी हैव टू मिनिचराइज द कैमरा, डिजिटल कैमरा वी हैव टू मिनिचराइज, सेंसर्स का साइज छोटा करना है, फोटो जो मेरे को मिल रही है वो एक अच्छी क्वालिटी की चाहिए, यानी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मेरे को लेनी है, पावर कम से कम चाहिए। ठीक है, काम चालू करा गया। जब वो काम आगे बढ़ा तो उसने जिस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, उससे जो टेक्नोलॉजी निकली, आज की तारीख में जितने भी मोबाइल फोन बनते हैं हर 3 में से एक मोबाइल फोन में वही टेक्नोलॉजी यूज होती है। एंडोस्कोपी जब करी जाती है मेडिकल्स में, मेडिकल सर्जरी में और मेडिकल डायग्नोसिस में, उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। सर्वेलेंस और सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ये कहां से आया, स्पेस रेस के चलते। थोड़ा सा और डिटेल अगर दोस्तों मैं बताऊं इसके बारे में, तो एरिक फोसम ने आगे जाके कंपनी खोली और उस कंपनी ने जब चालू करा बिजनेस करना, सेंसर्स जो डेवलप करे और जो सेंसर्स डेवलप करके देने चालू करे, तो आज ऐसी हालत है कि एक दिन के 1 मिलियन सेंसर्स प्रोड्यूस होते हैं और शिप होते हैं। कैसे हुए,
बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्पेस में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, यहां क्यों जाना है, वहां क्यों जाना है, क्या हाथ आया रोजमर्रा की। ये तो दोस्तों पहला वीडियो है, मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो नॉलेज सीरीज के नाम से एक पूरा इसमें सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मैं हर एक वीडियो में ऐसी वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि स्पेस रेस के चलते अपने को बहुत आसानी से मिल गई, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली उसने चेंज कर दिया। और हो सकता है अगर स्पेस रेस न होती तो अपने को ना तो डिजिटल कैमरा मिलता जो अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा है, और ना ही वो फोन मिलता जिससे कि आप रोजमर्रा के अपने सारे इमोशंस सारी मेमोरीज को कैप्चर कर पाते हैं। याद रखिए, नासा के JPL में हुई रिसर्च और नासा के JPL में पब्लिश हुए पेपर्स के चलते ही डिजिटल फोटोग्राफी हुई, और उसी के चलते ही आज की तारीख में 1/3 ऑफ ऑल द मोबाइल फोन कैमराज आर जस्ट बिकॉज दैट सम वर्क वॉज टेकन अप इन द रिसर्च लैब ऑफ JPL, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए, स्पेस रेस के लिए, स्पेस मिशंस के लिए रिक्वायरमेंट थी। सो दोस्तों, जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अगर कुछ नया बनता है, साइंस और टेक्नोलॉजी जब कुछ नया देता है तो वो मानव जाति के लिए, ह्यूमन रेस के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी एक बताई है, ऐसे और भी वीडियोज आएंगे दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इन वीडियोस को आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद यू विल बी एम्पावर टू आंसर दैट व्हाई सच रिसर्चेस, सच वर्क, सच ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ वेरी पाइवटल, नॉट ओनली वाइटल बट अ वेरी पाइवटल रोल इन टर्निंग अराउंड द ह्यूमन रेस और सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेस होती है उसको। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।